गंगा प्रसादी का प्रोग्राम था कि भाई इस दिन करेंगे। मैंने कहा उस दिन तो मैं दे दूंगा कि क्यों, वो तो मेरी ट्रेनिंग है, इधर टकले हो गए सब पूरे, ट्रेनिंग है मेरे को, जाना है ट्रेनिंग में। अच्छा तेरे ट्रेनिंग में जाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी दादी क्या बोलेगी, साले बिना कमिटमेंट वाला आदमी, यार मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री के समर्पण नहीं करूंगा तो सारा हिंदुस्तान में इस बिजनेस को फैलाएगा कौन। अपने आप को ये कमिटमेंट करो, मुझे इस हिंदुस्तान में कुछ तो मुझे करना है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प नहीं करता, परंतु इस इंडस्ट्री ने हर एक आपका स्पॉन्सर अपना खींचने की कोशिश करता है। मैं तेरे को इस बिजनेस में लेके आया, सारा डायमंड बनाएगा तेरे को, चाहे तू बने या ना बने मेरे को परवाह नहीं, पर मैं तेरे को बनाएगा। तो वो सीखने के लिए क्या होता है, हमें हमारे अंदर जज्बा, परंतु दूसरा नहीं सिखाता, उनको पता है सारे को सिखा दे पहले लात मार के मेरे को बाहर निकलवा देगा। 3 साल में अकेला ट्रेनिंग में आया है, आपके अंदर इतनी हिम्मत, अकेला ट्रेनिंग में आया। तो पावर ऑफ हेल्प डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही मिल सकती है। आपने दुकान खोल ली, पड़ोसी को बोल दिया, अरे मैं 2 घंटे के लिए जाके आ रहा हूं, तू ध्यान रखना। ध्यान रखता है ना वो, कस्टमर जैसे आता है तो 15 दिन ही खोले महीने में, आधी बार तो बाहर ही रहे, घूम तो फिरे, कस्टमर रुकेगा? क्यों? क्योंकि वो हेल्प नहीं करता, परंतु इस इंडस्ट्री ने हर एक आपका स्पॉन्सर अपना खींचने की कोशिश करता है। मैं तेरे को इस बिजनेस में लेके आया, सारा डायमंड बनाएगा तेरे को, चाहे तू बने या ना बने मेरे को परवाह नहीं, पर मैं तेरे को बनाएगा। ये होना चाहिए हमारे अंदर पूरा उत्साह। तो ये पावर जो मिलता है इस इंडस्ट्री में मिल सकता, दुनिया की कोई इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता। हर जगह पॉलिटिकल होती है, ये नो, हमें भी डर लग रहा था जब मैं काम सीखने के लिए 2007 और 8 में गए, तो बहुत सर नहीं, तेरे को ये नहीं करना, अभी तेरे को देखना है। मैंने पकड़ के बोला तेरे इसको क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि हमें सबसे पहले सीखना होता है नाम। अब डॉक्टर बोले सीजर दे और मैं आर्टरीज दूं तो क्या होगा, वो काटने की जगह और कुछ काट देगा। तो वो सीखने के लिए क्या होता है, हमें हमारे अंदर जज्बा, पर तो दूसरा नहीं सिखाता, उनको पता है सारा को सिखा दे पहले लात मार के मेरे को बाहर निकलवा देगा। ये सुनो, ये दूसरी इंडस्ट्री में नहीं है, बट इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको अगर आगे बढ़ाने की कोई काबिलियत और अपने अंदर जो जज्बा रखता हुआ है आपका स्पॉन्सर, एक बार उसके लिए क्लैपिंग कर सकते हो। धन्यवाद। जिस पर्सन ने मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में बताया तो उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस इंडस्ट्री में नहीं है, परंतु नो प्रॉब्लम, हम इस इंडस्ट्री में टिके रहे। बहुत सारे बार ऐसे हुआ था सारा इसको मैं छोड़ दूं, बहुत साल 3 साल शायद में भी लोकेश जी को पता, 2 से 3 साल में अकेला ट्रेनिंग में आया है, आपके अंदर इतनी हिम्मत, अकेला ट्रेनिंग में आया और मेरे को नो प्रॉब्लम, आज नहीं है कल मेरे साथ 2 होंगे, आज नहीं है कल मेरे साथ 2 होंगे। थोड़ी एनर्जी कम होती ट्रेनिंग का पहले दो धनाधन 2 महीने 3 महीने की मैं ट्रेनिंग बुक करके रखता, तो मेरे को इसमें जाना है और एग्जैक्टली डेट मेरे को याद नहीं। एक बार ऐसा भी माहौल हुआ, अब आप अगर आपने टिकट बुक करा दी है तो लिखिए कमिटमेंट, अपने आप से लिखिए, एक शब्द लिखिए कमिटमेंट, और उसको पूरा करना चाहे दुनिया की ताकत ही दुरुद्र हो जाए। और इस चीज का मैं साक्षात प्रमाण दे दूंगा आपको, मेरे पास एक पिक्चर होगी, कितनी होगी ये ट्रेनिंग कमिटेड टिकट बुक करा लिया, अब बात ट्रेनिंग के पैसों की नहीं है, बात ट्रेनिंग की है। और एक ही चीज मैंने सीखी, कैसा नाम तेरे को करे, इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो एक दिन एक बात तेरे दिमाग के अंदर दिल के अंदर बिठा के रख ले, कभी जिंदगी में सीखना बंद नहीं करना। और जिसने सीखना बंद कर दिया वो जीतना बंद कर दिया, उसका पतन होना स्टार्ट हो चुका है। तो उस टाइम मैंने टिकट करा दिया, अब कभी कभी कोई अनहोनी हो जाती तो अपने हाथ में क्या, कोई भी सेफ्टी होगी तो अपने हाथ में, वो उसके हाथ में, पर तो मैंने सारा कमिटमेंट कर दिया उस दिन मुझे जाना है। तो ऊपर वाले ने बोल दिया इसको जाना तय है। जब शादी की डेट फिक्स कर देते हैं कुछ भी हो जाता है शादी रुकती है क्या, वो कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए। और उसी टाइम 15 दिन पहले या 12-13 दिन 14 दिन पहले मेरे दादी जी एक्सपायर हो गए,
वो सब काम हो गया, 12 दिन कंप्लीट हो गया। अब परिवार में मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे दो मेरे काउंसी है, सरपंच साहब को जानते हैं, और गांव के सरपंच साहब है और बाउटी सिंह जी, तो गांव से भी आया कि देखते हैं बच्चा क्या सही काम कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो ये जानते हैं, और मेरे फादर साहब और ताऊ जी परिवार में दो और जॉइंट फैमिली है, तो परिवार में मैं सबसे बड़ा और छोटे उम्र से वो क्यों आई डोंट नो सरस्वती जी को आगे रखा। तो परिवार में हर जगह पे अपनी एक अलग रही कि नहीं यार वो बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला, आज भी रखते हैं। तो उसका रीजन होता है कि आप अपने आप को प्रूव करते हो, हर जगह प्रूव तो करना पड़ेगा। परंतु दादी जी देहांत हो गया, 12 दिन हो गया, अब गंगा प्रसादी का प्रोग्राम था कि भाई इस दिन करके, मैंने कहा उस दिन तो मैं दे दूंगा कि क्यों, मैं तो मेरी ट्रेनिंग है, इधर टकले हो गए सब पूरे, ट्रेनिंग है, मेरे को जाना है ट्रेनिंग में। अच्छा तेरे ट्रेनिंग में जाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी दादी क्या बोलेगी, साले बिना कमिटमेंट वाला आदमी, तूने कमिटमेंट कर लिया कहीं जाने का और एक खाने के लिए तू यहां रुक गया। तो मैंने कहा आपको मैनेज करना होगा, ये सब थे मेरे। तो मेरे ताऊ जी क्या थोड़े गुस्सेले और बहुत अड़ियल इंसान है, तो उनको पसंद नहीं ना, बहुत आड़ो आदमी है, सही सब को सब जानते हैं, बहुत एकदम कुछ नहीं कह सकते, अगर ना बोल दिया उनको तो कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं मेरे को तो जाना पड़ेगा, थोड़ा कितने रुपए लग गया, 600 रुपए, 600 की ऐसी की तैसी, नहीं जाना। मैंने कहा नहीं जाना, खुद पड़ेगा, मेरे प्रभु कैसे भी कर ले मुझे जाना है, रुकना नहीं है। और उसी दूसरे दिन मेरे दूसरे ताऊ जी जो मतलब छोटे दादा जी वो बीमार ही चल रहे थे, हो गए थे, तो वो सूतक लग गया, तो उसमें गंगा प्रसाद ही नहीं होती, अपने को पता ही वहां पे आरपी गांव से बिलोंग कर रहे, तो वो वहां नहीं, वो दिन आगे चले गए। तो चलो उस दिन के बाद बोलते मैं यस अपने को ट्रेनिंग में जाना है, आपको कुछ कुछ नई चीज सिखाते हैं। तो कई बार ऐसे दिन आए थे अकेला ट्रेनिंग में गया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता नहीं है, तो ना प्रॉब्लम सबका किस्मत खराब है, मेरा तो सही है। अपने आप को ये इस तरीके से पॉजिटिव रखो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतना इजी नहीं है टिकना, यस या नो, पर अब तो बहुत ज्यादा इजी है टिकना, क्योंकि अब पॉजिटिवनेस है मार्केट में इस इंडस्ट्री को लेके, डायरेक्ट सेलिंग हर आदमी करना चाहता है, यस या नो, करना चाहता कि नहीं। पर 2012 में बहुत तकलीफें थी, जब हम किसी के घर पे जाते थे इनवाइट करने के लिए 30,000 कंप्लेंट ऐसे बांटे थे, एक बार तो कुत्ते ने पिंडी पकड़ ली पीछे, मैं पट्टा पकड़ ले तेरा दिन है आज, मेरा दिन नहीं है, पकड़ ले तेरे को जितना पकड़ना, रुकने वाला नहीं है। और ये सच बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं है। और मेरे एरिया में इतनी पब्लिसिटी कर दी, इतनी पब्लिसिटी, किसी को भी मोटा पतला हाँ चलो पकड़ो वो ले लो ये रहा, सब जानने लगे लोग सब मोटे पतले बड़े लोग सब। तो कहने का मतलब क्या है, आप जिस एरिया में रह रहे हो आपका वाईफाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कोई भी आपके बारे में पूछे तो आपका नाम दे, अरे देख तेरा पेट बाहर है यार उसके पास जा, तेरा वजन कम करवा, कुछ करवा यार तेरा। अब किसी के दिल की ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो घर में आते हैं वो क्या हो गया, अच्छा हार्ट की तकलीफ, अरे यार अच्छा तो डॉक्टर ने मोटा कम करने का, नहीं नहीं वो क्या मित्रगढ़ में वो अनिता जी है तो वो वजन कम करवाते हैं, अब पता ही नहीं तो क्या आपके बारे में बोलेगी कोई, बोलेंगे क्या, नहीं वो बोलेंगे कोई नहीं है हेलो तो, क्योंकि पता ही नहीं। तो हमें क्या करना है, जाने अंदर में बहुत सारी बातें बताई आपको, बताई कि नहीं, बताई कि नहीं, तो हमें क्या करना, हमारे सराउंडिंग में सबको बताना, वो क्या समझे वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो हमें उनको बताना। तीसरा पावर क्या था, पावर ऑफ डेडिकेशन, समर्पण का पावर, ये बिजनेस दे सकता है। और जिस बिजनेस के अंदर अगर आपने दिल से अगर आपने सोच लिया कि इस बिजनेस में अपने आप को 100% मुझे समर्पण करना है, दुनिया की ताकत आपको नहीं रोकेगी, आप सक्सेस 100% जो करेंगे। और अपने आप को समर्पित करिए इस बिजनेस के प्रति। अभी भी बहुत सारे लोगों को क्या बिजनेस में तो आगे समर्पण नहीं है। दीपावली सभी के घर में आई ना, इसका साक्षात तथ्य मैं हूँ,
आपके बीच में आया ना, घर वाले भी जो रहे थे बाहर, तो दीपा को घर पे आएगा मैं नहीं आएगा मेरा परिवार में मुझे जाना, that called is dedication. मैं भी सोच सकता था मैडम जी चलो ठीक है आए रहे मुझे, मैं दीपा के दो चार दिन बाहर हूँ नहीं आऊंगा, क्या कर देते मेरा गला पकड़ के लेके आते थे क्या, नहीं परंतु डेडिकेशन. मैंने ऐसे बहुत सारे साथी और ऐसे बहुत सारी चीजें छोड़ी होगी, डेडिकेशन यार मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री के समर्पण नहीं करूंगा तो सारा हिंदुस्तान में इस बिजनेस को फैलाएगा कौन. अपने आप को ये कमिटमेंट करो मुझे इस हिंदुस्तान में कुछ तो मुझे करना है, इस हिंदुस्तान के लिए मुझे कुछ तो करना है. मैं कितने हजारों लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, मैं कितने हजारों लोगों की वजन कम कर सकता हूँ, उनको वजन ज्यादा वजन का छुटकारा दे सकता हूँ,